वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो या गाइस, आज की वीडियो में आपने टाइटल से और थंबनेल से देख लिया होगा, आज मैं करने वाली हूँ क्यू एंड ए। तो अभी करते हैं स्टार्ट। इस गर्मी बहुत 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 ज़्यादा है, तो कहीं पे भी जाने का मन नहीं कर रहा। सोच रही थी कि बाहर का कुछ व्लॉग करते हैं या बाहर का कुछ दिखाती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यू एंड ए वीडियो निकालते हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चन के रिप्लाई दूंगी, जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए हैं मैं सिर्फ उनके रिप्लाई दूंगी। पहला क्वेश्चन है कि आप स्टडी क्या करते हो। मैं स्टडी कर रही हूँ बीए प्रोग्राम या, और मैं हूँ सेकंड ईयर। सेकंड क्वेश्चन है कि दी, आपका व्लॉग बहुत अच्छा लगता है मुझे, बस आप अपने फैंस की खातिर रोज एक वीडियो डाल दिया करो प्लीज़। सो गाइस, ये क्वेश्चन तो नहीं था, बट ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए कि लोग मुझे देखना पसंद कर रहे हैं। तो गाइज, मैं ट्राई कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, पहले तो थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियो देखते हो। और या मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं डेली एक्टिव रहूँ, क्योंकि 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 मुझे यूट्यूब पे भी ग्रो करना है। या आप लोग मुझे सपोर्ट करो, मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या क्या करना चाहिए, तो मैं करूँगी। बाकी थैंक यू सो मच, मेरी वीडियोज़ आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कितने साल के हो और आप शादी कब करोगे। सो गाइस, मैं हूँ अभी 19 इयर्स की, और शादी का कोई तुक तो बनता ही नहीं है कि शादी कब करोगे। ये तो कोई, अभी शादी को मेरी बहुत टाइम है, अभी मैं छोटी हूँ, मैं सिर्फ 19 साल की, तो अभी मेरी शादी को टाइम है। अभी पहले मेरे को अपने पैरों पर अच्छे से खड़े होना है, अपने मम्मी पापा का एक ड्रीम पूरा करना है, जो भी मैं पूरी स्टैंड हो जाऊँगी उसके बाद मैं शादी करूँगी, और जब भी करूँगी तो सबको बता दूँगी। दीदी, आप होम टूर करो। मैं होम टूर अभी नहीं करूँगी, मैं होम टूर करूँगी जब मेरे 50K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। 50,000 मुझे चाहिए, उसके बाद मैं होम टूर करूँगी। कि मेरा भी ऐसे मन है कि मैं भी आपको अपना घर दिखाऊँ। 50% लोगों का यही था कि दीदी प्लीज़ अपना होम टूर करो, हम सबको आपको घर देखना। तो अभी होम टूर नहीं आएगा, अभी होम टूर जब मेरे 50K सब्सक्राइबर हो, मैंने टारगेट रखा है कि मैं अपना घर जब भी दिखाऊंगी तो मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। जल्दी सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स सबसे, आसपास के सभी लोगों से सब्सक्राइब करा दो, तो मैं ज़रूर होम टूर करूँगी जल्दी। नेक्स्ट, अनु दी, आपने अपनी भाभी को क्यों नहीं बोला है बोलने के लिए ब्लॉग में। 2-3 मैंने ऐसे कमेंट देखे जिसमें बोल रहे थे कि लोग क्या आपकी भाभी नहीं बोलती, क्या आपने ही मना किया अपनी भाभी को। यार, मैं उनको मना करूँगी, वो थोड़ी शांति है, वो ऐसी है, वो रियल, वो कैमरे के आगे ही, वो कैमरा देख के ही नहीं ऐसे हो रहे थे, वो सच रियल लाइफ में भी वो ऐसे ही हैं, वो बिल्कुल शांत रहते हैं, मतलब ऐसे ज़्यादा किसी से बात नहीं करते। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने उनको मना किया था कि कैमरे के आगे नहीं बोलना, तो मैं कैमरा ऑन करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, वो शांति रहते हैं। स्कूल लाइफ की कहानी बताओ। ऐसे क्या कहानी बताओ, ऐसे तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी स्कूल लाइफ में जो की है मैंने, मेमोरीज मेरी, तो इसमें तो मैं क्या ही बताऊँ। बाकी मेरी स्कूल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसमें से मैं 50% स्कूल जाती थी और 50% घर भी रहती थी। यस, क्योंकि मेरे को स्कूल ज़्यादा मतलब अच्छा लगता था, बट मुझे नींद ज़्यादा प्यारी थी स्कूल से। जब मैं जाती थी तो मैं पढ़ाई भी नहीं करती थी, मैं बहुत मस्ती पल्ला ऐसे घूमना फिरना वैसे रहती थी। मेरे को जैसे पढ़ना पसंद नहीं था स्कूल में, मैं बहुत ऐसे बोर होती थी और मैं बहुत ज़्यादा लेजी थी स्कूल टाइम। अभी भी हूँ बट इतनी नहीं हूँ, अभी मैं काम को लेकर थोड़ा सीरियस हो गई हूँ, पर पहले मैं बहुत ज़्यादा ऐसे लेजी थी। स्कूल सुबह जब उठना होता था स्कूल के लिए, तो मैं उठती नहीं थी, पेट दर्द या सर दर्द का बहाना कर देती थी और सोती रहती थी, स्कूल में जाती थी। और जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरी टीचर, जब भी मेरी अटेंडेंस होती थी तो मैम जब मेरा नाम बोलते थे, तो मैम जैसे मैं बोलती थी प्रेजेंट मैम, तो मैम बोलती थी रुक जा, फिर मैं पूछती थी इतने दिन से कहाँ थी भाई। तो मेरे को जब भी मैं थोड़े टाइम बाद स्कूल जाती थी तो मुझे हमेशा सुनने को मिलता था कि इतनी छुट्टियाँ क्यों करती हैं। और बाकी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी होती है, जो लोग स्कूल नहीं जाते लोग इस तरह लोग करते हैं कि स्कूल की इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ मार लेते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्कूल टाइम वापस नहीं आता, तो अपना स्कूल टाइम वो प्रॉपर ऐसे इन्जॉय करना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी मैं बहुत मिस करती हूँ मेरे स्कूल डेज, क्योंकि बहुत मज़ा आता था स्कूल में। ये बहुत ज़्यादा लंबा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर आर यू फ्रॉम। आई एम फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम अभी आप कहाँ पर हैं और आप स्टडी में क्या करती हो या करती भी नहीं हो। यस, मैं स्टडी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं स्टडी नहीं करती हूँ, मैं स्टडी करती हूँ,
बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर, जिसे मैंने पहले बता दिया है। मैं घर पे हूँ यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी आप अहमदाबाद आए हो। सो मैं अहमदाबाद नहीं आई हूँ, लेकिन जब भी आऊँगी मेरा मन है कि मैं पूरा वर्ल्ड घूमूँ। तो कहाँ पहले मैं पूरा इंडिया ही घूमूँ। मैं पूरा इंडिया भी प्रॉपर नहीं घूमूँ, बट यार जल्दी ही घूमूँगी, अहमदाबाद आऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी आपके 1.2 मिलियन पर ही क्यों फॉलोअर्स स्टॉप हो गए हैं? मेरे 1.2 मिलियन पे फॉलोअर्स मुझे भी नहीं पता क्यों हो गए हैं स्टॉप। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ कि मेरा अकाउंट ठीक हो जाए, बट बोलते हैं ना फ्री स्टक, वैसा हो गया है सीन। और ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रहे, मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, बट वो वहाँ पे पूरे 1 लाख बढ़ने के बाद ही वहाँ पे 3 शो होगा। वो सिर्फ जो 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 जो भी मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, 10,000, 20,000, वो तो अभी हाई नहीं रहेंगे। अब मेरी स्पीड बहुत पहले से कम हो गई है, बिकॉज पता नहीं क्या ही हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। और मैं डेली एक्टिव हूँ फिर भी ऐसा हो रहा है। बट यार सून मैं ठीक कर लूँगी अपना अकाउंट। आप लोग सपोर्ट करो, अगर मैं वीडियोस डालती हूँ आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ शेयर भी किया करो, उससे बहुत फल पड़ता है। एंड जल्दी ठीक होगा। दीदी आपका 1 मिलियन कैसे हुए प्लीज़ बता दो प्लीज़। पहले मैं टिकटॉक टाइम से मैं वीडियोस बना रही हूँ, टिकटॉक पे मैंने वीडियोस बनाई। फिर जब मैं इंस्टा पे आई थी तो मेरे इंस्टा पे सिर्फ 5K फॉलोअर्स थे जब भी मैंने स्टार्ट किया था, तो वीडियोस वायरल होने लगी थी। और वायरल होते 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 फिर तो मेरे को पता चल गया कि अब व्यूज देख क्या करना है। और या मेरी मेहनत और आप लोग का प्यार और मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो, जिसकी वजह से आज मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स। यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दी प्लीज़ आप रेड फूड चैलेंज करो। ओके आई डेफिनेटली जल्दी ही करूँगी। कैसा रहा आपका सफ़र? मेरा सफ़र या सभी मैं फैमिली के साथ ट्रिप पे गई थी। आप लोगों ने अगर मेरे लास्ट व्लॉग नहीं देखे हैं तो आप लोग देखो जाके, बहुत 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 मज़ा आया। और फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आता है मज़ा, लेकिन आई थिंक फैमिली के साथ ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उसमें आपको तो खुशी मिलती है, घर वालों को भी खुशी मिलती है। सो वो सब चीज़ें देख के और ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा अच्छी रही मेरी ट्रिप, बहुत ही ज़्यादा। बट हमने सिर्फ 2 दिन में ही अप डाउन किया था बिकॉज ऑफ गर्मी। मेरी याद नहीं आती तुझे। सो गाइस शी इज़ माई फ्रेंड और वो मुझसे पूछती है मेरी याद नहीं आती तुझे। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप लोग काम में बिजी हो तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को मिल जाओ, बट ये लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं काम में बिजी रहती हूँ तो मैं इन लोगों को याद नहीं करती, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यस आई मिस यू। हु इज़ योर फेवरेट रैपर? सो माई फेवरेट रैपर इज डिवाइन। बहुत ही बढ़िया रैपर है, फिर मुझे बताने की ज़रूरत है या आप लोग को भी बताएं। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? माई फेवरेट कलर इज़ ब्लैक, बट ब्लैक कलर गर्मियों में बहुत ऐसे इरिटेट करता है। पर ये बोलने वाली बात है कि सच्ची है, बट मुझे ऐसे हो गया है कि मम्मी वैसे बोलती है कि ब्लैक कलर जब गर्मियों में पहनते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो गर्मियों में ब्लैक कलर नहीं अच्छा, गर्मियों में थोड़े लाइट कलर अच्छे लगते हैं। यदि आप डेली व्लॉग बनाते हो तो 1 डे में कितने व्यूज़ आ जाते हैं? इतने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं तो मेरे अभी उतने व्यूज़ नहीं आते हैं। अभी मैं धीरे धीरे ग्रो कर रही हूँ तो उस हिसाब से ही होता है, क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर्स कम है। प्लीज़ आप लोग सरप्राइज कर दो, न सब्सक्राइब कर दो। तो प्लीज़ यार जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, मैं डेली एक्टिव रहूँगी प्लीज़। तो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते भी, मेरा छोटा चैनल है अभी, ये चीज़ मैं कुछ बाद में बताऊँगी। धीरे धीरे आने लगे भरोसा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रील कौन कौन से टाइम डालनी चाहिए? 5 बजे या 6 बजे डालनी चाहिए तो बेस्ट टाइम होता है आई थिंक। विल यू मैरी मी? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ योर क्रश? यार मेरे को ऐसे किसी के ऊपर क्रश नहीं है, मुझे कोई ऐसे नहीं जाऊँगा। लग रहा है मुझे रणवीर कपूर क्या बोल रही थी, जो खुद अपने फेवरेट एक्टर का नाम भी बता। बट मुझे शाहिद कपूर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा क्रश ही मान लो। हाँ उनका कह सकते हैं कि क्रश। आप किसी से प्यार करते हो?
योर फेवरेट हॉबी? हॉबी मेरी है कि मुझे डांसिंग अच्छा, डांसिंग करना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप डांस कब से कर रहे हो? डांस कब से कर रहे हो? ऐसे मैं प्रॉपर डांसर तो नहीं हूँ कि मैं बहुत डांस डांस कर रही हूँ, बट कभी कभी कर लेती हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था तो उसको हो गया है 6-7 ईयर्स। 6-7 ईयर्स पहले मैंने डांस स्टार्ट किया था, जब मेरे पास इतने चढ़ा था कि यार मेरे को डांस करना है, मुझे डांस सीखना है। और मैंने टीवी वगैरह की भी सोच ली थी कि मुझे टीवी शो जाना है, ये वो। पर थोड़े टाइम का ही था, थोड़े टाइम का क्रेज था, उसके बाद वो चला गया। बट अभी भी मेरे को ऐसे डांस करना अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी नहीं आती आपको? नहीं, अभी मैंने थोड़ी थोड़ी सीख ली है। पहले मेरे को बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आती थी, बट अभी मेरे को थोड़ी मतलब समझ तो प्रॉपर आती है, लेकिन मुझे बोलनी नहीं आती। बट यहाँ मैं ट्राई करती हूँ कि वे वो तुसी किदा कितने जा रहे हो, मतलब थोड़ी थोड़ी सी मैं सीख दूँ। अगर आप लोग मुझसे कुछ बोलने के लिए बोलोगे तो मैं बोल सकती, इतनी तो मैं सीख दूँ। अनु दी, आप और मनप्रीत दी फ्रेंड्स कैसे बने? मैं मनप्रीत दी को टिकटॉक से जानती हूँ, मैं उनको फॉलो करती थी और वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो तब से ही मेरी और उनकी बात होती है। और या फिर धीरे धीरे से बात बढ़ती गई और या हम क्लोज हो गए, बहुत अच्छे हैं और हम फ्रेंड्स बन गए। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिपस्टिक कलर यू लव द मोस्ट? तो यार ये लिपस्टिक मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत, मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं लेकिन मुझे ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये न्यूड है और इसके अलावा कैसे हैवी भी लगे, मतलब एकदम ऐसा लाइट वेट, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो ये है नायका की, तो ये है 19 काशी, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अनु दी, आप सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हो, जिया को या फिर साक्षी दी को? मैं सबसे ज़्यादा प्यार या दोनों ही से ज़्यादा है, मैं दोनों को ही बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं है कि उसको ज़्यादा उसको कम, दोनों को मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी रील्स कौन शूट करता है, प्लीज़ रिप्लाई? मेरी रील्स कभी साक्षी शूट करती है, कभी अमन शूट करता है, कभी जिया शूट करती है, तो यस यही तीन बंदे हैं जो मेरी रील्स शूट करते हैं। ओके दी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे, आप सबसे ज़्यादा क्लोज किससे हो, जिया से या फिर साक्षी दी से? मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ साक्षी से, बहुत 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 ज़्यादा। या सिस्टर से होता ही है, ऑफकोर्स बोलते हैं कि बड़ी बहन या फिर एक सिस्टर होनी बहुत ज़रूरी है, बट मेरे पास दो सिस्टर्स हैं और यस मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि साक्षी के साथ मैं सब कुछ शेयर कर पाती हूँ। और मेरी फ्रेंड्स वगैरह मुझे देख कर बोलते हैं यार तो कितनी लकी है, अगर मतलब हमारे तेरे पास तेरी सिस्टर है तो उसको सब कुछ शेयर करती है, वो तेरी हेल्प करती है। आज हमारे पास भी एक बहन होती है, मेरे पास दर्द है, ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो मुझे इतना सपोर्ट करती है। मैं सबसे ज़्यादा क्लोज साक्षी के ऊपर, बिकॉज जिया छोटी है तो मैं उससे इतनी बात नहीं करती हूँ। वो मेरी बहन 50% ऐसे, मतलब 50% सिस्टर, 50% बेस्ट फ्रेंड, ऐसा सेम। मैं अपने आप को बहुत लकी भी मानती हूँ कि साक्षी मेरी सिस्टर है। अभी वो ये वीडियो देखेगी ना तो यहाँ बैठ जाएगी मेरे, कोई बात नहीं, कभी कभी तो होता है ना कि बताना भी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम, बाघा बॉर्डर पर जाने के लिए कोई टिकट लगती है क्या? नहीं, वहाँ पर जाने के लिए कोई टिकट नहीं लगती। आप नॉन वेज हो या वेज? आई एम नॉन वेज, आई लव चिकन। ओए, आप हिंदी सॉन्ग पर वीडियो बनाया करो, मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ओके, मैं हिंदी पे भी बनाया करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मेरे को बहुत पसंद हो, मैं पूरा दिन आपकी वीडियो देखता रहता हूँ, पूरा दिन। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। योर फेवरेट प्लेस? बहुत ज़्यादा फेवरेट प्लेस है मेरा घर, मुझे अपने घर में ऐसे रहना बहुत पसंद है। योर बर्थडे डेट? मेरा बर्थडे आने वाला है और मेरा बर्थडे 27 जुलाई, सब लोग टाइम पे विश करना। हाउ डू यू फील इन बाघा बॉर्डर? यार बहुत 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 अच्छा लगता है, मतलब ऐसे होता है कि अभी लड़ जाएंगे। बट यार गाइस, वहाँ पे बहुत मज़ा आता है, जो लोग बाघा बॉर्डर नहीं गए हैं प्लीज़ आप लोग को जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे सच में बहुत मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आता है। और इतना चिल्लाई मेरा गला ऐसे बैठ गया था, बहुत मज़ा आता है, आप लोग को ज़रूर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप और आपकी सिस्टर में
बहुत लड़ाई होती है ना, बहुत लड़ाई तो नहीं होती लेकिन यस लड़ाई होती है, और लड़ाई के बाद लड़ाई में बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि पता कैसे लड़ाई होती है, अभी लड़ाई हुई वापस एक घंटे बाद बात, क्योंकि हम लोग ऐसे बहुत ज़्यादा सीरियस वाला नहीं लड़ते, कभी कभी हो भी जाती है लड़ाई, बहुत ऐसे सीरियस वाली रोड़ा धोड़ा निकल जाता है जिसमें बस ऐसे डेली डेली लड़ाई नहीं होती कि हम लड़ते ही रहते हैं लड़ते ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं होती, कभी कभी होती है वो, और ये नॉर्मल सी चीज़ है कि आपके भाई बहन के साथ आपकी लड़ाई हो। आप और हम भैया कैसे मिले? सो गाइस मैं और अमन एक एकेडमी में मिले थे जिसमें एक वर्कशॉप थी, तो मैं वहाँ पे वो वर्कशॉप लेने गई थी, तो मैं अमन फ्रेंड्स मतलब मैं और अमन तब से ही फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, मैं हूँ, साक्षी है और जिया है, हम फाइव फैमिली मेम्बर्स हैं। सो या गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर भी कर देना, और या जिसने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया वो बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे मेरी कोई भी वीडियो आए तो उससे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, और प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लो, जो लोग अभी यहाँ तक मेरे साथ वीडियो में आ गए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो, जल्दी जल्दी 20K सब्सक्राइबर्स कर दो प्लीज़। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, टिल देन बाय, प्लीज़ फॉर।